वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं सभी के साथ में अपने कुछ एम्प्टी प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने स्किन केयर और मेकअप में एम्प्टी किया है। मेकअप प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं है बट स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा स्टेप आउट करती नहीं हूँ इसलिए मेकअप प्रोडक्ट्स उतने ज़्यादा मैं यूज़ कर नहीं पा रही हूँ अभी। बट स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, फेस वॉश से लेकर सनस्क्रीन तक के मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने एम्प्टी कर लिए हैं। पूरा एक स्किन केयर सेट बोल सकती हूँ मैं कि मैं पूरा एम्प्टी कर चुकी हूँ, और हर एक प्रोडक्ट्स का मिनी रिव्यू भी मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ में। सो दैट इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स यू कैन मेक योर माइंड। एंड ऑल्सो गाइज आई वॉन्ट टू मैंशन कि ये सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हैं और बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट्स भी चलते रहते हैं इन सभी प्रोडक्ट्स पे। सो अगर आप टीनेजर हैं या फिर यू नो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं तो आपके लिए ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे रहेंगे। सो यस, अगर आप मेरी वीडियोज पहली बार देख रहे हैं सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो। एंड नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो स्किन केयर में सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, एक फेस वॉश। सो फेस वॉश में मेरे पास बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है, वो भी बहुत ही एक अच्छे ब्रांड से, वो है ये निविया का फेस वॉश। ये है निविया का मिल्क डिलाइट फेस वॉश विद सैफरन। ये नॉर्मल स्किन के लिए जो वेरिएंट आता है वो मैंने परचेज किया था, और इसका मेरे पास ऑयली स्किन वाला वेरिएंट भी है और सेंसिटिव स्किन वाला वेरिएंट भी है, जो कि एक मेरी सिस्टर यूज कर रही है और एक मैं यूज कर रही हूँ, और ये बॉटल पूरी मैंने फिनिश कर ली है। एंड ये बॉटल 100 ml की थी एंड दिस रिटेल्स फॉर ₹185, जो कि मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पे बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल मिल गया था। यू नो अगर आप ड्राई स्किन टाइप से बिलोंग करते हैं और आप कोई भी फेस वॉश यूज करते हैं तो आपको थोड़ी देर बाद आपकी स्किन बहुत ही स्ट्रेची सी फील होने लगती है अगर आप कुछ मॉइस्चराइजर या टोनर नहीं लगाते तो। बट इस फेस वॉश के साथ आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं महसूस होगी। ये स्किन को बहुत ही सॉफ्ट एंड सपल बना देता है, बिल्कुल भी आपको स्ट्रेची फील नहीं होता आपका स्किन। बहुत ही माइल्ड सा फेस वॉश है। आई एम करेंटली लविंग दिस फेस वॉश एंड आई कैन नॉट रिकमेंड दिस इनफ। अगर आप कोई नया फेस वॉश ट्राई करना चाहते हैं, आप ड्राई स्किन टू नॉर्मल स्किन वाले हैं, आप डेफिनेटली इस फेस वॉश को ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो फेस वॉश के बाद हम लगाते हैं टोनर। सो टोनर के लिए मेरे पास यहाँ पे है गुड वाइब्स का टोनर, जो कि मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है, एक दो पंप ही इसमें बाकी हैं। यस, मैंने रोज हिप वाला ट्राई किया क्योंकि इसका रोज हिप सीरम मुझे बहुत पसंद था, दैट इज वाई आई वेंट फॉर दिस रोज हिप टोनर एंड आई टोटली लव दिस टोनर। ये बहुत ही अच्छा है, इवन आप इसको मेकअप के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं। मैं हमेशा इसे एज अ सेटिंग स्प्रे भी यूज करती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा एकदम ही ड्यूई सा फिनिश दे देता है मेरे मेकअप को। वैसे तो ये मेरी सेकंड बॉटल है जो कि मैंने फिनिश कर लिया। यस, सो दिस वॉज द नेक्स्ट प्रोडक्ट, और ये भी बहुत ही अफोर्डेबल है, और वैसे भी गुड वाइब्स हमेशा बाय वन गेट वन बाय टू गेट टू ऐसे चलता ही रहता है। सो आप इसे परचेज कर सकते हैं इफ यू वांट अ गुड टोनर। ओके, सो टोनर के बाद हम लगाते हैं सीरम या फिर मॉइस्चराइजर। सीरम का कोई भी एम्प्टी नहीं है अभी मेरे पास, सो यहाँ पे मैं एक मॉइस्चराइजर खत्म कर चुकी हूँ, गुड वाइब्स का ही है ये। गुड वाइब्स का कोकोनट मॉइस्चराइजर है फेस क्रीम, बट आई विल नॉट रिकमेंड दिस मॉइस्चराइजर टू यू, क्योंकि कोकोनट वाला जो भी चीज होता है वो हम क्यों परचेज करेंगे, क्योंकि हमको एक हाइड्रेशन वाला फैक्टर चाहिए होगा। यू नो मैं ड्राई स्किन टाइप से हूँ, सो मैंने कोकोनट वाला इसीलिए परचेज किया था क्योंकि मुझे एक हाइड्रेशन वाला फैक्टर चाहिए था अपने मॉइस्चराइजर में इन विंटर्स। बट ये जो मॉइस्चराइजर है ये मॉइस्चराइजेशन का कुछ काम नहीं करता, ऐसा लगता है इट इज सिटिंग ऑन योर फेस पर एक लेयर के जैसे ये लगा हुआ है, बस ऐसा फील होगा। थोड़ा सा हल्का सा ड्राइंग भी फील होता है which I don't like, so I will not recommend this moisturizer to you. और मैं इसे कैसे खत्म की हूँ, if you have this moisturizer already, तो मैं इसे कैसे यूज की हूँ, इसके ऊपर मैं बायो ऑयल लगा के यूज करी हूँ, इसे पूरा खत्म करी हूँ। सो ये पूरा अभी मेरा फिनिश हो चुका है फाइनली। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस लोटस का मैट जेल वाला जो सनस्क्रीन होता है विथ SPF 50 विथ UVA एंड UVB प्रोटेक्शन वाला जो सनस्क्रीन था वो मैंने फिनिश कर लिया है। ये भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि ये सनस्क्रीन थोड़ा सा ट्रिकी है लगाने के लिए, तो बिगिनर्स जो टीनेजर्स होती हैं उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा इसको लगाने के लिए। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, डेफिनेटली मैट फिनिश ये नहीं देता, हल्का सा डूवी फिनिश देता है। बट इसके साथ साथ में मैं बता दूं कि जब आप इसे लगाएंगे ना तो थोड़ी देर बाद ये पिल ऑफ होने लगेगा, लाइक इसके ऊपर अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो वो निकलने लग जाएगा, ऐसे क्रम्बल होने लगता है। सो दैट इज वाई आई डोंट लाइक दिस सनस्क्रीन टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अगर मैं मेकअप नहीं कर रही हूँ और मैं घर पे हूँ तो मैं इसे लगा के यूज करके खत्म की हूँ फाइनली। एंड या अगर बात करें SPF की, ये काम करता है कि नहीं, ये डेफिनेटली काम करता है, जो भी सन टैन वगैरह होता है वो नहीं होता इसको लगाने के बाद। एंड ऑल्सो अगर आप इसे थोड़ा भी ज्यादा अमाउंट में लगा लेते हैं ना, क्रम्बल होकर निकलने लगता है, तो वो एक अच्छी फीलिंग नहीं होती। दैट इज वाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस टू यू। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट आई हैव फाइनली फिनिश्ड दिस बायोटिक के लिप बाम वाला टब। ये पूरा ही मैंने फिनिश कर लिया था, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन डाल के कहीं मैं गई थी तो मैं लेके गई थी इसको,
बट इसके अंदर वही है, इसके अंदर फाउंडेशन है. अब इतनी बड़ी फाउंडेशन की बॉटल तो ले जा नहीं सकते कहीं, सो मैं इसे पूरा क्लीन करके इसके अंदर फाउंडेशन का एक दो पंप डाल के लेके गई थी. सो यस, ये बायो फ्रूट वाला जो वेरिएंट होता है ना बायोटिक के लिप बाम का, सो मैंने इसे पूरा फिनिश कर लिया है. और इससे मुझे फिनिश करने में ओ माई गॉड इतने दिन लगे हैं. ये 12 ग्राम्स का प्रोडक्ट है और इसे मैं बहुत ज़्यादा लगाती थी, बहुत ही ज़्यादा लेयर इसका लगाती थी, उसके बाद भी ये ख़त्म नहीं हो रहा था. इट इज़ वेरी गुड लिप बाम. अगर आपको थोड़ा भी पिगमेंटेशन वगैरह का प्रॉब्लम है अपने लिप्स पे, सो आप इसे यूज़ कर सकते हैं. एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल एक लिप बाम है, 150 के अंदर आपको हमेशा मिल जाता है. वैसे तो इसकी MRP जो 175 है, बट आपको हमेशा 150 के अंदर ये डिस्काउंट पे मिल जाएगा. ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि मैं बता भी नहीं सकती. हैव टू बाय दिस इफ यू आर अ लिप बाम अडिक्ट. ओके, सो स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं. नाउ मेरे पास एक बॉडी केयर प्रोडक्ट है, दिस निविया का पर्ल एंड ब्यूटी रोल ऑन डिओडोरेंट होता है जो निविया का. सो ये एक बहुत ही अच्छा डिओडोरेंट है, आपको ये हमेशा बैड ऑडर से बचा के रखेगा. आपको ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं प्रोवाइड करेगा, बट हाँ आपके जो बैड ऑडर है उसको कंट्रोल करता है ये, और इवन 24 आवर्स तक कंट्रोल करता है, जो कि क्लेम करता है ये 48 आवर प्रोटेक्शन ऐसा क्लेम करता है. बट 48 आवर्स कोई बिना ना है, आई डोंट थिंक रहता होगा, बट मैंने 24 आवर्स से टेस्ट किया है एंड इट वर्क्स. सो यू कैन बाय दिस. एंड आई हैव फिनिश्ड 2 बॉटल्स ऑफ दिस पर्ल एंड ब्यूटी वेरिएंट एंड आई एम करेंटली यूजिंग द वाइटनिंग वेरिएंट दैट आल्सो वर्क्स द सेम वे एंड बहुत ही अच्छे से आपको यू नो ओडर फ्री रखता है बहुत लंबे टाइम तक के लिए. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज अ मेकअप रिमूवर. ये स्टेक वर्की का टेक इट ऑफ मी बाय फेस मेकअप रिमूवर है, जो कि मैंने अपने पर्पल हॉल में आप लोगों के साथ में शेयर किया था. सो ये एक बाय फेस मेकअप रिमूवर है स्टेक वर्की का, और ये 180 रुपीज का रिटेल करता है. एक ओकेज काइंड ऑफ मेकअप रिमूवर है, उतना ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं आया, बहुत ही बेकार भी नहीं है. तो आपका वाटरप्रूफ मेकअप होता है उसको रिमूव कर देता है, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट इज आई डोंट लाइक इट दैट मच. बट या अगर आप एकदम ही बजट में कोई मेकअप रिमूवर चाहते हैं आप ले सकते हैं इसे. 180 रुपीज इसका MRP, अभी पता नहीं इसकी MRP चेंज हो गई होगी. तो मैंने इसे लास्ट ईयर परचेज किया था और थोड़ा सा ही मेरा बाकी है, लाइक इतना सा बाकी है. और अभी इसकी पैकेजिंग भी चेंज हो गई है और इसकी MRP आई डोंट नो चेंज हुई है कि नहीं, बट इसमें हमेशा बाय वन गेट वन चलते रहता है स्टेक वर्की पे. सो यू कैन ग्रैब दिस इफ यू वांट अ मेकअप रिमूवर जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल हो. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस प्राइमर बाय स्विस ब्यूटी. इनका ऑयल फ्री लॉन्ग लास्टिंग बेस प्राइमर है, जो कि मेरा फर्स्ट प्राइमर था एंड मैंने इसे पूरा फिनिश भी नहीं किया था और ये एक्सपायरी हो गया. सो दैट इज वाई I have to include this in my empties. But इसमें बहुत ज़्यादा product बाकी भी नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा product बाकी था, but मैंने इसे पूरा use नहीं कर पाई. इस चीज़ का मुझे बहुत ही regret है. सो यस, ये 30 ml की बॉटल आती है, बट इसका जो MRP है वो अभी 500 या 450 के अराउंड हो गया है, विच इज़ लाइक अ लिटिल बिट टू मच. बट ये प्राइमर भी बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे से आपकी, अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं या फिर ड्राई स्किन, जो भी स्किन वाले हैं, आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. एंड दिस वॉज माई फर्स्ट प्राइमर और मैं इसे लेके बिल्कुल भी ऐसा रिग्रेट नहीं फील कर रही थी कि अरे यार मैंने इसे क्यों ले लिया. लाइक उस टाइम ये बहुत ही कम प्राइस पे मिल जाता था, 200 या 250 में मैंने इसे लिया था, बट इसकी MRP बहुत इंक्रीज हो गई क्योंकि ये बहुत ही अच्छा था और इसको रिस्पांस अच्छा मिला इस प्रोडक्ट को, दैट इज व्हाई इट्स MRP हाइक्ड अप लाइक एनीथिंग. सो यस, दिस वाज द प्राइमर. और आप अगर चाहते हैं इसे लेना, अगर आपका बजट है 450-500, तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, यू वॉन्ट रिग्रेट बाइंग दिस. सो नेक्स्ट है ये लेस सेंसेशनल मस्कारा बाय Maybelline. और ये भी मेरा फर्स्ट मस्कारा था जब मैंने मस्कारा परचेज किया तो, और ये उस टाइम मुझे बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ा था. लाइक इसकी MRP आई थिंक 510 है और ये मुझे 510 पे ही मिला था क्योंकि मैंने इसे लोकल स्टोर से परचेज किया था. और उसके बाद फिर ये अभी एक्सपायरी तो आई डोंट थिंक ये हुआ है, 323 इसका एक्सपायरेशन डेट है. बट क्या है ना, ये पूरा ही ड्राई डाउन हो गया है. मैं इसे ऐसे आईब्रो के लिए यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी, बट अब इसमें मुझे लेंस सॉल्यूशन या ऐसा कुछ डाल के देखना पड़ेगा क्योंकि एक्सपायरी तो नहीं हुआ है. मैं प्रोडक्ट पूरा ही ड्राई डाउन हो गया है, सो दैट इज़ वाई मैं इसमें या तो लेंस सॉल्यूशन डालूंगी या तो फिर कुछ और आई ड्रॉप वगैरह. बट लेट मी नो अगर ऐसा करना चाहिए कि नहीं, या फिर मस्कारा जस्ट थ्रो कर देना चाहिए जब वो ड्राई हो जाता है तो. सो दिस वॉज द मस्कारा और ये 510 रुपीज का ऐसे रिटेल करता है, अभी पता नहीं कितने का रिटेल करता है. मैंने इसे एक दो साल हो गया लिए,
बट दिस मस्कारा इज सो बॉम, बहुत ही अच्छा आपके लैश को इतना लिफ्ट कर देता है, इतने अच्छे से कोट करता है, बहुत ही वॉल्यूम देता है और बहुत लेंथ भी प्रोवाइड करता है। इसमें माइक्रोफाइबर्स भी हैं जो कि यू नो आपके लैश से ऐसे लग के उसको से बहुत ही लेंथ प्रोवाइड कर देते हैं। यस, यू कैन बाय दिस मस्कारा विदाउट एनी डाउट। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इज दिस लिपस्टिक, दिस लिक्विड लिपस्टिक बाय वेट एंड वाइल्ड। ये वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक है इन द शेड गिव मी मोका, और ये एकदम ही हाइप्ड अप प्रोडक्ट था कुछ दिन पहले। लाइक गिव मी मोका वॉज एवरी वंस फेवरेट न्यूड कलर, सो आई हैड टू गेट दिस। और ये बहुत ही अच्छा एक शेड था, ये भी बहुत ही जल्दी ड्राई डाउन हो गया था, बट दिस शेड इज सो प्रिटी। लाइक लुक एट द शेड, दिस शेड इज सो प्रिटी, यू कैन सी। ये वॉन्ड से ही आप देख सकते हो कि कितना प्रिटी शेड है। मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पसंद था, बट यस इसका जो शेड था उसके लिए मैंने इसे परचेज किया था। रिटेल करता है ₹600 या 700 का, आई थिंक अब इसका जो लेबल रहता है वो निकल चुका है। ये 600 के अराउंड रिटेल करता है, बट आई वोंट रिकमेंड इतना महंगा लिपस्टिक लेने का। अगर आपको डिस्काउंट पर मिलता है तो आप लीजिएगा, अदरवाइज इट्स नॉट वर्थ ₹600 बिकॉज द फॉर्मूला इज नॉट दैट ग्रेट। सो यस, दिस वॉज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस वीडियो। आई हैव एम्प्टीड दिस मच प्रोडक्ट एंड इट टुक मी अ वाइल। सो या गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो and my recommendation and mini reviews of this product, so please give it a big thumbs up and do subscribe to my channel for more such videos. And yeah, I will meet you in my next video. Till then, take care, bye.